नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय में। आज मैं आपके लिए एक बुक बताने वाला हूँ जो है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, आम बोलचाल के अंग्रेजी वाक्य। बहुत ही अच्छी बुक है और इस बुक में जो है उस वे सेंटेंस दिए गए हैं जो आम बोलचाल के वाक्य होते हैं। चलिए देखते हैं, उसके पहले पेज पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़ाना प्रयोग में आने वाले वाक्य। बाई पूजा राणा, आदित्य राणा, इनके द्वारा ये बुक बनाई गई है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर लेसन वाइज, डे वाइज दिया गया है। डे वाइज यानी डे के हिसाब से, दिन के हिसाब से इंग्लिश सिखाए गए हैं और इसमें वे सेंटेंस दिए गए हैं जो रोज़ बोले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, कपड़े सुखा दो, आलू छील दो, संतरा छील दो, बिस्तर लगा दो, इस प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। बिस्तर पर चादर बिछा दो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले दिन में जो दिया गया है, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें थॉट के रूप में लिखी गई हैं, और फिर दूसरे दिन, दूसरा दिन चालू होता है, दूसरे दिन कुछ और सीखने को मिलता है। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, इस प्रकार से सेंटेंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर दूसरे दिन में ये चीज़ें दी गई हैं, तीसरे दिन में कुछ और दिया रहेगा, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस जो बोले जाते हैं अक्सर, वही सब दिए गए हैं। और इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस भी दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस के हिसाब से, जैसे कि यहाँ 5 दिन तक सीखा, उसके बाद जो है 6 वाले दिन जो है आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस दी गई है। जैसे संतरा छील दो, इसका इंग्लिश क्या होगा, नल बंद कर दो, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरे दिन जो सीखा, तीसरे दिन सीखा, चौथे दिन, 5वें दिन जो भी सीखा है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बुक जो है, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो आप नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं, तो आप जो है इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा, इतनी मोटी सी बुक है, देखिए इतना सा मोटा है, ज़्यादा मोटी नहीं है, फिर भी इसमें 100 डे दिए हैं, 100 दिन दिए हैं, 100 दिन में इंग्लिश सिखाने के सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पर डिक्शनरी दी गई है। देखिए यहाँ पर डिक्शनरी आपको मिल जाएगी, और ये डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो पीछे डिक्शनरी दी गई है, उसके बाद यहाँ पर इसका प्राइस दिया गया है, इसका प्राइस है 260 रुपये, जबकि आपको डिस्काउंट में ये कुछ सस्ती मिल जाएगी। तो आज मैंने इस बुक के बारे में बताया कि क्या चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, 100 दिन दिए गए हैं, 100 दिन में आप जो है जो भी सेंटेंस हैं, 100 दिन में, पर डे, एक दिन में, एक दिन के जितने सेंटेंस दिए उनको रट लें और अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। मेरा केवल आपको बताने का फ़र्ज़ था कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस बुक पर जा सकते हैं और इस बुक को भी खरीद सकते हैं, देख सकते हैं कैसे सेंटेंस दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।